ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। नरेंद्र मोदी के हमारे नेता एक अद्भुत नेतृत्व देश को मिला है। बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगा, फिर कभी डबराऊंगा तब विस्तार से सभा करेंगे। जब डबराएंगे तब विस्तार से सभा करेंगे। लेकिन देश आज तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की हालत तो कमलनाथ भैया ने ऐसी कर दी थी कि कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरी इमरती बहन, ये मिलने आई मुझे जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, इन्हें इस्तीफा दिया। आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में अब कमलनाथ की भी अकल मारी गई थी। गलत जगह उलझ गया भाई। अब सिंधिया जी ने क्या कहा था, हमने दिए कहा था वादे निभाओ, वचन पूरे करो। उनका अच्छा नहीं निभाता क्या कर दोगे? सिंधिया जी का सड़क पोत रहेंगे तो कोई उतर जाओ। अब कैसे उतरे कि वो परमानेंट ही उतर गए भाई। सारी अगर भर जाएगी, एक वादा नहीं निभाया, एक वचन पूरा नहीं। कहते हुए दुख होता है मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। दलालों का प्रयास कह रहा हूं, अगर विधायक मंत्री जाते, ये बहन इमरती तो मंत्री थी, हालांकि सिंधिया जी बता रहे थे, देख के चेहरा बिगड़ जाता था। ग्वालियर वालों से तो पता नहीं क्या बैर था, मुझे समझ में नहीं आया। ग्वालियर चंबल नाम सुन के ही पत्नी छूट जाता थी कहां से, चलो 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 चल चलो। मेरे पास 24 घंटा पति 26 घड़ी, चलो चलो चलो। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो क्या करते थे, अभी भर्ती बैठ बड़े बजे से निकलो निकलो चलो चलो। और कहीं का ठेकेदार आ गया तो दरवाजा बंद करो, आगे तो अब एक दिन मर्जी की क्या भैया, बाहर दो आदमी बैठे रहते थे, नाम दे दूंगा। कह रहे तुम्हारी कौन सी पोस्ट है? बोले हमने तो कोई पोस्ट नहीं। इनके साथ एक विधायक सुनने कहा, ये सवेरे आते बोरा लेके शाम को भर के सीखे ले जाते। ये हालत मतलब भवन की करती, मध्य प्रदेश का मान सम्मान भूल में मिलाया। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और साथ एक और थे, जहां जहां पाव पड़े हैं उनके सहता है बंटा। और कमलनाथ को भी ठिकाने लगा, चढ़ा चढ़ा के पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर, विकास के नाम पर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इमरती बहन कह रही थी एक हैंडपंप भी लगाया पानी वाला, अरे जब कुंड में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी क्या से पानी करो? पानी पिलाने के दिन में तरफ चाहिए। घबरा वालों, विकास के नाम पे जीरो कर दिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं रुका है, बनिए कौन देखे जबरदस्ती लगी नहीं है, बढ़ जाओ भार्गव में जब मुख्यमंत्री बन गए। और आज ये इमरती बहन जब मेरे पास आई, अब मैंने इज्जत के साथ बिठाए, मैं तो हर एक की इज्जत करता हूं, कोई जनता मिले तो जनता की इज्जत करता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे कि भैया ऐसे तो हम पहली बार बैठे, पहले भी मंत्री रहे, ऐसा कभी नहीं बिठा, वो उठा सकते हो भाई, सही बात है कि नहीं? जो दूसरों की इज्जत ना करे कोई इज्जत पाने का भी हकदार नहीं है। कमलनाथ जी है मध्य प्रदेश की और ग्वालियर चंबल की स्वाभिमानी जनता है, क्योंकि स्वाभिमान आगे क्या कहा था सिंधिया जी ने, तो कहा था कि विकास करो, वादे पूरे करो। मेरे बहन और भाइयों, सारी योजना बंद कर दी। किसान भाइयों, आते ही मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मिलने थे किसानों को, आगे कमलनाथ जी एक भाई आते ही मैंने सबसे पहले 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश से जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिया।
0% ब्याज का कर्ज इन्होंने बंद कर दिया तो फिर से देना शुरू कर दिया और सितंबर के पहले हफ्ते में 4,500 करोड़ रुपया खरीफ की फसल बीमा योजना के सिर्फ किसानों के खाते में डाल दिए। उनसे गरीबों का पैसा नहीं, सब पर योजना बंद कर दी। बताओ मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था, कब बताओ? बच्चों की पढ़ाई की फीस भरता था वो बंद कर दी, लैपटॉप के पैसे देता था वो बंद कर दिया, कन्याओं के विवाह का हम देते थे 28,000, कमलनाथ जी ने दम भरा मैं 51,000। अरे कई ने शादी भी कर ली थी, 51,000 मिलने वाले। बाद में उनमें से एक बहन आई के मामा आज तक एक ढेला दी थी, सारी योजनाएं बंद कर डाली। अरे बाकी तो छोड़ दो, मैं बहुत लंबा विस्तार से नहीं जाऊंगा, गरीबों के कंपनी के 5,000 रुपया जो बहुत मैयत के हम लेते थे वो भी तुम खा गए कमलनाथ, जो कफन के पैसे खा जाए बताओ वो जनता के वोट के अधिकारी है क्या? और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, अब लंबी बात नहीं करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों आपके आत्मसम्मान की यह सरकार की राय है और ये कागज लेके जब हिमंती देवी आई तो जितने काम बताए हिमंती देवी ने, अब रतनगढ़ बृहत जो सिंचाई की परियोजना है, हिमंती बहन ने कहा कि भाई साहब हम पानी चाहिए, कौन सा इलाका रह गया था? 45 गांव बिजोरा। चिंता मत करो हिमंती जी, ये कमलनाथ नहीं है, बिजोरा के गांव में पूरे आसपास के गांव में पानी आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमको यह कसर नहीं रखेगी, छोटी बड़ी जितनी सिंचाई की योजना बन सकती है वो सारी योजना बनाएंगे। आज सारी चीजें लेकिन आ रहा क्षेत्र में भी आना, बोले भैया आप छोड़ मकान ले चलिए आपको ले देंगे, बोले इतनी आसानी हो जाएगा? मैं भैया तो मुख्यमंत्री है, घर का पर्स ही आप बना तैयार भी आज कर देंगे, नहीं कर चिंता मत करो। कई काम जो इन्होंने बताया पूरी सूची आज भाषण से कभी बताऊंगा कि 12 बजाएंगे रात को, ये स्वीकृत कर दिए। और आज मैं फिर वचन देता हूँ मोदी जी, आपने विकास के लिए जनता को सरकार ला के हर जनता पार्टी के बृहद परिवार से प्रचार किया है, विकास में कभी की कमी नहीं आने देंगे किसी भी व्यवस्था करेंगे। मोदी जी नरेंद्र सिंह जी दिल्ली में उनका पूरा सहयोग लेंगे, मगर 3 साल का रोड मैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बना रहा हूं। डबरा का भी विकास होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा, लेकिन एक ही निवेदन है आपसे, जिनने ग्वालियर डबरा चंबल भितरवार के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई हो बताओ उनको माफ करोगे क्या? कभी उनको माफ करोगे क्या? अरे काल में जैसे भेद बदल बदल के चले आते हैं, कोई सोने का हिरण बन के चलाएगा, जनमत का अपहरण करने के लिए उनकी बातों में तो कोई नहीं आएंगे, उनकी बातों में नहीं आएंगे। मेरे भाई लाइट जा रहा है, आगे आ रहा है लाइट जा रहा है। एक रुपये भारतीय जनता पार्टी की सुगठित टीम बैठी हुई, इनके साथ मिलकर हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हिमंती जी, जब मैं मुख्यमंत्री पहले था और आप कांग्रेस में, और कभी डगरा गया तो मंच पे आती थी, मुझे लगता था बोल नहीं तो जरा मजा आएगा, लोग थोड़े घबराते थे पता नहीं क्या बोल जाए, क्या बोल रहे थे। लेकिन मंत्रालय पर जैसी पकड़ है विभाग पे मैं खुले न सके, मैंने पहला बार में कहा भाई क्या चाहते हो भाई तुम, मेरी कल लाइव जा रहा है, ये लाइव जैसे कल तुम होते जा रहे बार बार, क्योंकि एक एक चीज कर रहा सब कुछ भी गर्व का विषय है। आप सबसे यही निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा उनका मान और सम्मान रहेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, आपका भी मान सम्मान और डबरा भीतरवार की शान कभी हम जाने नहीं देंगे, आप चिंता मत कीजिए। केवल एक ही निवेदन है, इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए कि सामने वालों को दिल दहल जाए और फिर सड़क पर उतरने की कभी बात ही नहीं करे। वैसे तो कांग्रेस मिट्टी में मिलने ही बाकी है, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, जाने के पहले खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हिमंती देवी को, भारतीय जनता पार्टी को
ऐतिहासिक वोटों से जिताने का संकल्प है। तैयार है साहब, तैयार है साहब। हर घर जाएंगे, जाएंगे, अलग जगाएंगे, जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे, फूकेंगे, जो नहीं समझा उसको समझाएंगे, समझाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, दबाएंगे, इमरती देवी को जिताएंगे, जिताएंगे। आइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ममता सिंह अतिथियों के आभार के लिए पच्चर सिंह गुर्जर पूर्व जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सभी का आभार व्यक्त करें। आज के इस धर्मामयी कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर विराजमान और